आज हम लोग बहुत सारी गाड़ियां एक साथ बाय करने वाले हैं, तो भाई बहुत मजा आने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक शुरू कर देना, बाकी लाइक बाय करके यार कमेंट करके बताते रहा करो मेरे को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो अभी हम लोग यार गेम के अंदर आ चुके हो, और सबसे पहले यार तुम लोग कंटेनर को देखो, मतलब जो अपना छोटा सा भी घर है भाई, इसको भी मैंने अपग्रेड कर दिया था पिछले वाले एपिसोड में। एंड तुम लोग पैसे अगर चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 13 लाख है यहाँ पे। कुछ लोगों ने कमेंट किया था भाई ऑफलाइन कोई काम मत करो, इसीलिए अब जो भी काम करेंगे ना वो सारी चीजें वीडियो में ही करेंगे। बाकी आज मैं एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज करने वाला हूँ, या फिर तुम लोग बोल सकते हो एक चैलेंज करने वाले हैं। हम लोग एक साथ ना सारी गाड़ियां खरीदने वाले हैं कार मार्केट से, चाहे उसके लिए अपने को 50 लाख लगे, 12 लाख लगे, 10 लाख लगे, जितना भी लगे, पर एक साथ सारी गाड़ियां लेंगे। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बस पकड़ के कार मार्केट चलते हैं। ओके तो गाइस अभी हम लोग कार मार्केट आ चुके हैं, और आज मैं आके एक एक कार एक साथ लेने वाला हूं, मतलब एक लाइन से ना हम लोग सारी गाड़ियां खरीदने वाले हैं। ओके तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये अपना एक तरीके से चैलेंज है भाई, तो इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके तो पहले मैं एक काम करता हूँ ना भाई, एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे एक टोटल गाड़ियां कितनी है। ओके यहाँ पे 2 गाड़ियां है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गाड़ियां है भाई। 11 कार्स को हम लोग एक साथ लेने वाले हैं, क्या बात है भाई। तो एक काम करते हैं फटाफट से बाय करते हैं, मैंने प्राइस नहीं देखने वाला, बार्गेनिंग भी नहीं करते हैं, सीधे मैं बाय करते जाता हूँ यहाँ पे। ओके मैं इसको बाय करने वाला हूँ। पहली गाड़ी हम लोग ने बाय कर ली है, दूसरी वाली गाड़ी भी हम लोग बाय करते हैं। अगर पैसा खत्म हो जाएगा तो हम लोग पहले पैसे इकट्ठे करेंगे एंड दोबारा यहाँ पे आएंगे। ओके 34,000 की थी, मैंने इसको भी ले लिया है। 2 गाड़ियां हमारी हो चुकी हैं, तीसरी गाड़ी भाई बहुत डैमेज है, वैसे नुकसान हो जाएगा इस चैलेंज के चक्कर में अपना, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, मज़ा आएगा। ओके 3 गाड़ियां हो चुकी है भाई, ज़्यादा महंगी गाड़ियां ना आ जाएँ। ओके 36,000 की ये भी चलेगी, लाख में जो गाड़ियां आएंगी ना उनमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। मैंने यहाँ पर टोटल 4 गाड़ियां खरीद, ओ भाई पोर्शे पे आ गए हम लोग, ये तो महंगी होगी 2-3 लाख की। ओके 1 लाख की है, मैं इसमें थोड़ी सी बार्गेनिंग कर रहा हूँ यार, देखो थोड़ी सी बार्गेनिंग करना तो बनता ही है, इसमें थोड़ी सी बार्गेनिंग करना बनता है भाई। मैं इसको थोड़े कम पैसे देने वाला हूँ। ओके तो हम लोग ने फाइनल ये भी ले लिया है, बाकी इन गाड़ियों में कोई बार्गेनिंग नहीं करने वाला भाई, जो है वो देंगे। 8,000 कुछ भी नहीं, 8,000 की तो मैं मॉडिफिकेशन करा देता हूँ। भाई कहाँ गया कैमरा, ए यहाँ पे ये गाड़ी कितने की है, होंडा CX ABS पता नहीं कौन क्या क्या मॉडल होते हैं भाई इसमें, 8,000 की, इसको भी बाय करो, बहुत सही। ये लोग भी खुश हो जाएंगे भाई, कहेंगे ऐसा कस्टमर नहीं देगा भाई एक साथ सारी गाड़ियां ले जा रहा है। हाँ गाड़ियों को ले जाने में गाइस बहुत दिक्कत होने वाली है, टो ट्रक का पूरा यूज़ होगा। इसको भी बाय कर लेते हैं 16,000 की, कोई दिक्कत नहीं है। ओके इसको भी बाय करते हैं, अभी भी 10 लाख है हमारे पास। मुझे लगता है कि मैं 2-3 बार आकर गाड़ियाँ ले लूँगा ना तब भी ख़त्म नहीं होंगे। ये भी बंदा खुश हो गया, फुल खुश हो रहे हैं सारे कस्टमर्स, मतलब जितने भी यहाँ पे लोग बेचने आए हैं भाई। ये गाड़ी तो पता नहीं कौन सी है भाई, लॉर्ड पता नहीं कौन सी है भाई, लॉर्ड को नहीं याद आ गया लॉर्ड से तो मुझे। ओके ये लास्ट कार है ना, ऑडी RR, ये कितने की भाई, 6 लाख की है गाड़ी, 6 लाख की गाड़ी है ये, इसमें बार्गेनिंग करना बनता है। चलो छोड़ो नहीं कर रहे बार्गेनिंग, बहुत पैसा अपने पास, सीधे लेंगे। फाइनली गाइज यहाँ पे जितनी भी कार खड़ी है वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे बाय कर ली है, वो भी एक साथ यहाँ पे बाय की है। तो अभी मैं काम करता हूँ इस गाड़ी के अंदर, मैं इसको टो करवाता हूँ, और ट्रक 1 यहाँ पे टो करवा दिया मैंने, ले गया वो। पहले महंगी गाड़ियाँ लगाएंगे हम लोग, मैं चाहता नहीं हूँ कि दुकान पर जाकर कोई गड़बड़ी हो जाए अपनी, मतलब शॉप पर अपनी। इसको भी टो करवा देते हैं, और महंगी गाड़ियाँ कौन कौन सी है पता नहीं है, चलो ये वाली करा देते हैं। मैं इसको भी पहले टो करवा देता हूँ, बहुत सही। अब इनमें से कोई एक उठा लेते हैं, बहुत सही भाई। मुझे लगा नहीं था हम लोग सारी गाड़ियाँ एक साथ ले पाएंगे, पर मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ गया भाई सारी गाड़ियाँ एक साथ लेकर। अब टो करके अपनी गाड़ियाँ पहुँच गई होंगी क्या, मेरे को बस ये देखना है। पहुँच गई भाई, तो बहुत जल्दी पहुँच गई। मैं ना ये वाली गाड़ियाँ तो देखो ऐसी लगा देता हूँ जो सस्ती वाली गाड़ियाँ हैं, है ना, उन्हें तो मैं ऐसी लगा देता हूँ। जो महंगी गाड़ियाँ हैं उन्हें मैं थोड़ा रिपेयर करवा के बेचने वाला हूँ। इसको मैं सीधे पहले सेल पे लगा देता हूँ, सस्ती गाड़ियों को ऐसी लगा देता हूँ पहले। मेरे पास जितने फोटोज हैं, अरे भाई
फोटोज है उन्हें, नो फोटो। यहाँ से इसका आ जाएगा फोटो, आ गया। पहले मैं इसे सेल पे लगा देता हूँ। ये भाई कितनी गाड़ियाँ, ये कौन सी है, कौन सी कार है, कैसे पता लगेगा। तीन गाड़ियाँ तो यहाँ रोड पे खड़ी है, एंड एक ये खड़ी है सामने। पहले मैं गाड़ी के बारे में देख लेता हूँ कि कार कौन सी है ये। ओके तो गाइज ये गाड़ी 66% डैमेज है यहाँ पे, एंड इसका नाम मैंने देख लिया। चलो मैंने इसका नाम तो देख लिया है, कहाँ पे है ये, कहाँ पे है, कहाँ पे है। यहाँ नीचे कहीं पे होना चाहिए, ऊपर 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 ऊपर, पर ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही। पहले फोटो लगा दो इसका। ये 34 की है ना, मैं इसको 40 में बेच दूंगा। अगर 40 में कोई लेगा तो मैं इसको बेच दूंगा। चलो पहली गाड़ी हम लोगों ने लगा दी है इस। ये गाड़ी देखो बहुत हमारे लिए काम की है भाई, ये गाड़ी बहुत काम की है। इसको पहले मैकेनिक के पास भेज दो। इस गाड़ी को भी मैं मैकेनिक के पास भेज देता हूँ। इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, बेच निकले सीधे। ये सस्ती गाड़ियों में ना कोई खर्चा नहीं करने वाला मैं, सिर्फ महंगी गाड़ियों में करना है मुझे खर्चा। तो मैं इसको भी पहले, यार इसका नाम देखना पड़ेगा मुझे, इसका नाम क्या है। ऑडी S4, ऑडी S4 भाई। मैं इसका पहले फोटो ले लेता हूँ। फिर इतनी सारी गाड़ियाँ ना एक साथ ले, मेरे एक दिक्कत हो गई कि मुझे गाड़ियाँ ना पता नहीं चल रही कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं मेरे पास। ये रही ऑडी S4 का फोटो, ये रहा। प्राइस है इसका 9,000, मैं इसको 20,000 में डाल देता हूँ। 20,000 में आराम से निकल जाएगी ये। दो गाड़ी हम लोगों ने गाइस यहाँ पे लगा दिया है। मैं काम करता हूँ, फटाफट से अपने ऑफिस को खोल देता हूँ ताकि यहाँ पे कस्टमर्स आ जाए, है ना, कहीं सारी गाड़ियाँ अपनी सेल हो जाए एक साथ तो मज़ा आ जाएगा। ये तो मैं काम करता हूँ फटाफट से, पहले यहाँ रख देता हूँ सारा का सारा कूड़ा। एंड जो गाड़ियाँ मैंने मैकेनिक के लिए भेज दी ना, उन गाड़ियों को भी मेरे को रिपेयर कराना है, क्योंकि वो मेरी ना सबसे महंगी गाड़ियाँ होंगी। पहले काम कर भाई, कस्टमर आ चुके हैं पर कोई दिक्कत नहीं, आने दो कस्टमर को। मैं इन गाड़ियों को जब तक रिपेयर करवा देता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी मैंने शायद बहुत महंगी ली है, ऑडी मैंने सबसे ज़्यादा महंगी ली है। इसमें क्या क्या दिक्कत भाई, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, करो भाई रिपेयर करो। इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसको भी रिपेयर करने दो, दोनों गाड़ियाँ रिपेयर होने दो, तब तक हम लोग कस्टमर्स को देख लेते हैं। अच्छा है भाई, जल्दी जल्दी गाड़ियाँ सेल हो जाएंगी, जल्दी जल्दी गाड़ियाँ निकल जाएंगी ना, तो फ़ायदा होगा, मैं और गाड़ियाँ ला सक। अबे दोनों को यही गाड़ी पसंद आई है क्या, मैंने कितने की लगाई है सेल पे, 40,000 की, एंड मैं लाया कितने की मेरे को नहीं पता। तो भाई ये गाड़ी इसको 40,000 में पसंद आ गई, और भाई उसने खरीद भी लिया। अब ये भी ले लो यार, जा रहे हैं वापस, कम से कम उसको खरीद लेते, पर चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं जल्दी से चल के पहले एक एक करके ना गाड़ियाँ यहाँ पे भाई रिपेयर करा लेता हूँ, मतलब पेंट वेंट कराना है मुझे। पहले गाड़ी में भाई कहाँ से बैठूँ मैं, फिर करो बैक करके ले चलो, बहुत सही। इस गाड़ी को तो बहुत आराम से ले जाना है भाई, इस गाड़ी से मुझे उम्मीद है पैसा ज़्यादा कमाने की। इसको तो अच्छे से ले जाना पड़ेगा, ये इसको यहाँ लगा दो। तो फुल मॉडिफाई कर दो भाई, जितना जितना है ना, सस्पेंशन वगैरह सब, सस्पेंशन इसका सब मॉडिफाई कर दो। और लाइट भी मैं इसकी थोड़ी सी बढ़िया कर देता हूँ। प्लेट में हम लोग ये करवाते हैं, महंगा वाला, महंगी वाली चीज़ें करवाते हैं। देखो गाड़ी है महंगी तो खर्चा भी महंगा करना बनता है इसमें। लेम्बोर्गिनी वाले टायर लगवा दिए मैंने, बस हो गया काम, बस इसमें पेंट करवाना है, पेंट करवाना है बढ़िया सा, कुछ तड़कता भड़कता वाला कलर करवाता हूँ इसमें। ओके बढ़िया सा करंट कलर, देखो इसका ये वाला है ना, मैं इसको रीस्टोर नहीं करवा सकते क्या, ब्लैक भी कर सकते हैं क्या। इस ब्लैक में बढ़िया लग रही है, ये ब्लैक में बढ़िया लग रही है यार, हो गया कलर। मैं इसको जल्दी से लगा कर आता हूँ भाई सेल पे। हैज़ार्ड मैंने ऑन कर, वो भाई स्लिप हो रही है, हैज़ार्ड मैंने ऑन कर दिया, कस्टमर नहीं आया क्या कोई भी, तक यार अपनी ऑडी को खरीदने कोई आया ही नहीं है, कबाड़ वाली ऑडी को खरीदने ही नहीं आया कोई। चलो तो आ गया आ गया आ गया, एक कस्टमर आ गया। ओके पहले इसको बेच ही देते हैं, जितने भी निकलेगी ना निकाल देते हैं इसको। जल्दी 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 जल्दी, मैंने 20,000 का डाला है, ये जितने भी देगा मैं बेच रहा हूँ इसको।
12,000 कोई नहीं, ले जा भाई, ले जा खुश हो जा तू। एक और कस्टमर आया था पर कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले आएगा गाड़ी उसको मिलेगी। ये फोटो बढ़िया है इसका, पहले गाड़ी है कौन सी, ये प्रॉपर मेरे को नाम देखना पड़ेगा इसका। ये है ऑडी RR, ठीक है, करंट कलर्स का ब्लैक है। मैं इसको लगा देता हूँ, पहले फोटोज में जाके डिलीट करने पड़ेंगे जो मेरे पास का फोटो है, ये वाला एंड ये वाला, मेरे को इसे लगाना है फटाफट से। ऑडी RR ऊपर तो नहीं है, नीचे नीचे नीचे, ये रही। 6 लाख की लेकर है ये, तो 10 लाख का डालना बनता ही है। तो फोटो लगाओ, बहुत सही। एक गाड़ी हम लोगों ने सेल में लगा दिया फटाफट से, पहले जो सामने पोर्श अपनी गाड़ी है ना इसको भी सेल में लगा देते हैं, उसके बाद बाकी की गाड़ियां लाएंगे। देखो दो तीन गाड़ियां जो महंगी थी ना मैं उनको अच्छे से लगाने वाला हूँ, बाकी सारी गाड़ियों को भी रिपेयर करा दे क्या? चलो करा देते हैं, हम लोग को अच्छा पैसा मिल जाएगा। यार बैठूँ कहाँ से, मैं तो बैठ गया, स्टार्ट कराओ इसको। अरे यार एक तो रात एक तो इतनी जल्दी हो जाती है ना, रात बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई। काम करते हैं लेकर चलते हैं, अपनी कार से ही चलते हैं, कार से ही चलते हैं सीधे, फटाफट से चल के पहले सो जाते हैं भाई। सुबह उठ के मेरे को गाड़ियाँ लानी पड़ेंगी, सारी गाड़ियाँ पता नहीं वहाँ पे होंगी भी या नहीं होंगी, मेरे को देखना पड़ेगा जाके। वैसे होना चाहिए, और एक सेकेंड है यहाँ पे खड़ी हुई, देखो सारी गाड़ियाँ ना एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी, अपनी कारें हैं सारी की सारी, देख रहे हो। कुछ दिन पहले तक मैं एक गाड़ी नहीं ले पा रहा था ठीक से, अभी मैंने सारी कार्स खरीद ली है, चाहे वो महंगी है सस्ती है, सारी गाड़ी एक साथ। ये है भाई अपना जलवा। रुक जा भाई, क्रैश हो गई। अरे यार कहाँ निकला हूँ मैं, दूसरी साइड। अगर गाड़ी को बंद भी करना है, पर छोड़ो यार चलने दो, लाइट जलने दो, कोई दिक्कत नहीं, सो जाता हूँ। तो भी यार सुबह हो चुकी है, और 1 मिनट भाई ये क्या हो रहा है सुबह होते ही, अरे गाड़ी के ऊपर दो गाड़ियां। अबे ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई यहाँ पे भाई, डबल वाली मैंने बस तो सुनी थी देखी थी, मतलब ये दो दो कारें चल रही है भाई, ये मैं पहली बार देखी भाई, मैं कहाँ से बैठूँ इसके पर। चलो अभी हम लोग मतलब गाड़ी में बैठ गया, फटाफट से इसको निकालते हैं, इसमें स्क्रैच वगैरह ना लग जाए। बहुत सही, वैसे गाड़ी में स्क्रैचेस तो नहीं लगे हैं तो मेरे को रिपेयर नहीं कराना है। ये देखो भाई इन लोगों ने गाड़ी अलग ही ठोक रखी है, सारी कार इधर उधर ठोक रखी है भाई। इन गाड़ी सुपर कार्स की ना स्पीड एक नंबर होती है, देखो क्या भाग रही है। देखो इसमें थोड़ा सा काम करवाना पड़ेगा, कस्टमर भी आ रखे हैं। अबे एक मिनट अपनी महंगी वाली कार पे आए हैं, तो एक मिनट इसको यहाँ रुको। कितने की बिक्री है गाड़ी देख लेते हैं। 6 लाख की तो नहीं बेचनी मुझे, 6 लाख की तो मैं लेकर आया हूँ भाई उसको, 6 लाख की तो मैं लेकर आया हूँ, सबको वापस भेज दूंगा मैं, इतनी सस्ती भी नहीं बेचनी मुझे। इसको पहले यहाँ लगा दो, सस्पेंशन पे नहीं कर रहा मैं खर्च, लाइट पे, प्लेट हम लोग ये वाली या ये वाली कोई भी एक कर देते हैं। व्हील्स इसमें कौन से करें हैं, व्हील ये कर देते हैं, क्योंकि ये वाली कार में व्हील ये वाले बढ़िया लग रहे हैं। कलर मैं इसका जो करंट कलर है वो करूँ या फिर कोई न्यू कलर करूँ, चलो देखते हैं अभी। वैसे कलर इसके ऊपर जो हो रखा है ना गाइस वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम लोग इस गाड़ी का पहले कलर चेंज करवाते हैं, एंड मैं गाड़ी के अंदर कौन सा कलर करवाऊँ, पहले एक बार करंट कलर पे जाते हैं। ये फैक्ट्री कलर है, तो फैक्ट्री कलर को अगर मैं थोड़ा सा आगे करूँ तो ब्लू कलर अगर करते हैं तो कैसा रहेगा, ब्लू कलर अगर करें इस पे, ये वाला भाई बढ़िया लग रहा है। ये भी 10 कार्स को मैं पेंट करवा चुका हूँ भाई, बढ़िया यार। तो वो नहीं करना है यार, बैठना है कार में भाई। चलो तो दो तीन कस्टमर आ चुके हैं, दो तीन है भाई, एक ही कस्टमर है, पहले देख लेते। अरे कहाँ जा रही मैडम, कहाँ भाई, मेरे को लगता है लेट हो गया मैं आने में। फिर महंगी गाड़ियों के साथ ना ऐसे छेड़छाड़ नहीं करनी है, देखो शॉप पे ही रहना पड़ेगा अपनी। कूड़ा कचरा एक तो इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इसे भी हटाओ, इतनी की बिक रही है, देख लेता हूँ मैं एक बार।
मैं इसको लेकर कितने का आया था पहले एक बार, मैं ये 7 का लेकर आया था ना, मैं इसको नहीं 6 का लिया था गाइस, मैंने इसको 6 कुछ का लिया था यार। कम से कम 9 तो मिलने, 8 तो मिलने चाहिए यार कम से कम। भाई इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला, मैं एक बार मैं 8 मांग के देख, मैं बार्गेनिंग करके देखता हूँ, 7 यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं, मैं बार्गेनिंग में 8 अगर मैं मांगता हूँ गाइस तो फिर देखते हैं क्या रहता है। भाई बिक गई, क्या बात है यार, मजा आ गया। एंड अभी मैं काम करता हूँ, फटाफट से फोटोज सारे डिलीट करो, कैमरे में जाकर। बहुत सही, गाड़ी का नाम क्या है वो तो मैं देख लूँ यार। एक तो इतनी गाड़ियाँ होगी ना अपने पास, पोर्स 930, ठीक है, इतनी गाड़ियाँ होगी ना पता ही नहीं चल रहा। पोर्स 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 कहाँ पे है, ये रही। ये तो ज़्यादा महंगी नहीं है, कुछ खास नहीं है, मैं फिर भी इसके मांगने वाला हूँ 3,50,000। ओके तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा कार मार्केट, वहां से सारी गाड़ियां लेकर आनी है, तो जल्दी से चलते हैं। तो आज के दिन यार कार मार्केट बंद है क्योंकि अपनी सारी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है। एंड यहाँ इसको होमलेस को भी यार थोड़ा डोनेट कर देते हैं, तो मेरे को जल्दी जल्दी से गाड़ियां भेजनी पड़ेंगी। पहले इसको टो करके भेजो, सारी गाड़ियों को ही भेजना है यार, चला के मैं नहीं ले जा रहा, चला के मैं नहीं ले जा रहा हूँ, तो मैं टो करके भिजवा देता हूँ यार। अब ये लोग फ्री हो जाना जल्दी से, मैकेनिक के पास भेज दूँ क्या डायरेक्ट यहाँ से? हाँ मैकेनिक के पास अगर मैं यहाँ से भेजते हैं गाइज तो भी तो डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगी ना। एक इसको भेजो, इसको भेज दो यार, एक और भी चली जाती ना तो मैं एक चला के ले जाऊंगा। सारे लोग बिजी हैं, वहाँ पे सिर्फ 3 गाड़ियों की पार्किंग है इसीलिए वहाँ पे 3 गाड़ियाँ गई हैं। अगर ज़्यादा की पार्किंग होती तो और ज़्यादा गाड़ियाँ मैं भेज सकता था। चलो कोई नहीं है, बाद में अपग्रेड करके शायद और भी टो ट्रक की पार्किंग आ जाए, हम लोग और अपग्रेड कर सकते हैं वैसे। ओके कस्टमर गाइज और भी आ चुके हैं, तो मैं काम करता हूँ इस वाली गाड़ी को मैं यहाँ लगा देता हूँ। 2 कस्टमर आए हैं जो अपने को सही पैसे देगा, हम लोग बेच देंगे उसे। 3,50 मैंने मांगे हैं एंड मेरे को नहीं पता मैं कितने की लाया, मेरे को याद भी नहीं है भाई। ठीक मिल रहे हैं यार इस गाड़ी के पैसे, एक बार देख लेता हूँ यहाँ दूसरा जो दूसरी लेडी है वो कितने दे रही है। 3,50 तो मैंने मांगे हैं, नहीं ये तो कम दे रही है भाई, इसको तो पहले भेजो। और कोई कस्टमर आया नहीं आया, मैं बार्गेनिंग कर लेता हूँ, बार्गेनिंग करने में फ़ायदा हो रहा है भाई, हमें मिल रहे हैं हमारी डिमांड जितनी है ऐसे मिल जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मांगता हूँ 2,80,000 भी मांगता हूँ तो मुझे लगता है मिल जाने चाहिए, आराम से मिल जाने चाहिए। मिल गए, देखो मैं बोल रहा हूँ ना मिल जा रहे हैं। मैं काम करता हूँ इस फटाफट से ना गाड़ियों को यहीं लगा दूँ क्या बेचने के लिए? यहाँ बेचने पे लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते यार, यहाँ लगा सकते मेरे को नहीं पता, एक बार देखते हैं अगर यहाँ लग जाएगी तो। मुझे ये नहीं पता गाइस यहाँ लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, बट मैं इस गाड़ी का नाम देखता हूँ क्या है। लॉर्ड क्लासिक वाली गाड़ी है ये भी, और इसको पता कैसे चलेगा क्योंकि इस नाम की गाड़ियाँ तो मेरे पास काफ़ी सारी हैं, तो देखना पड़ेगा। लॉर्ड क्लासिक ये 2 हैं, अच्छा मॉडल से पता लग जाएगा यार इसका मॉडल कौन सा है। इसका मॉडल है 9 1920 2020, एक मिनट मैं दोबारा देखता हूँ 1920 2020 में तो कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। ये रही वो, और तो फोटो रहा ये, अरे नहीं लगा सकता हूँ यार इसको अंदर लगाना पड़ेगा भाई, रोड पे लगा देता ना तो मज़ा आ जाता, रोड पे लगा देता ना कहीं मज़ा आ जाता। इसको यहीं लगा दो, इसको यहीं लगा दो, अब लगा दूंगा मैं इसको पार्किंग में, आराम से लग जाएगी। जल्दी जल्दी से सारी गाड़ियों को लगा देता हूँ, मैं इसको 25,000 के लेकर आया हूँ एंड मैं इसके मांगता हूँ 50,000। 50,000 मांगना तो मुझे लगता है एकदम ठीक है यार, देखो हाँ हम लोगों ने स्टार्ट किया था शायद 12-13 लाख पे, ऑलमोस्ट 12 लाख 13 लाख पे एंड 14 लाख हो गए हैं, एंड अभी इतनी गाड़ियाँ बची हैं हमारे पास, 2 गाड़ियाँ मैकेनिक के पास हैं, तो ठीक चल रहा है यार अपना सारा काम, बढ़िया चल रहा है। ये गाड़ी कौन सी है इसका फोटो लो पहले, थोड़ा पीछे जाके लेना पड़ेगा। बहुत सही, ये है कौन सी यार, ये भी लॉर्ड क्लासिक वाली गाड़ी है, मेरे को पता है कौन सी है, पहले मैं इसको अंदर लगा देता हूँ यार।
यार पार्किंग में ऑटोमेटिक अगर खड़ी हो जाती ना गाड़ियाँ तो ज़्यादा बढ़िया रहता। चलो कस्टमर भी एक और आ गया अपने पास। पहले एक काम करते ना, इस गाड़ी को मैं फटाफट से लगा देता हूँ सेल पे ताकि ज़्यादा कस्टमर्स आ जाए। इस गाड़ी का प्राइस है 22,000। पहले रुको इसका फोटो लगाओ, मैं इसको लगाता हूँ 40,000 का। कई दो कस्टमर है, बहुत सही। जो सही पैसे देगा उसको दे देता हूँ गाड़ी। 50,000 मैंने मांगे हैं और 25,000 नहीं, 25,000 बहुत कम है मुझे लगता है। 25,000 कम है गाइस बहुत। ये बंदा कितने दे रहा है? 27,000। मैं काम करता हूँ 30,000 या 35 मांगता हूँ, 35 में गाड़ी दे दूंगा मैं। भाई नहीं मान रहा यार, 30,000 तो दे दे भाई। 30,000 चल लास्ट, 30,000 लास्ट। ओके तो गाइस वो बंदा फाइनली गाड़ी लेकर जा चुका है एंड एक और कस्टमर आ गया। अच्छी बात है यार, लगातार कस्टमर पे कस्टमर्स आ रहे हैं। आज ना मुझे खाली नहीं बैठना पड़ रहा है। अगली बार से गाइस जब भी मैं ना सारी गाड़ियाँ एक साथ लूंगा ना, तो पहले मैं ऑफिस को बंद करके सारी गाड़ियाँ लगा दूंगा ऑफिस में, सारी की सारी गाड़ियाँ एक साथ लगा दूंगा एंड उसके बाद आराम से बेचता रहूंगा, फिर दिक्कत ही नहीं रहेगी। फोटो लो इसका एक बढ़िया सा, बहुत सही, इसको सेव कर लिया। इसका नाम क्या है? गाड़ी का नाम ही नहीं पता मुझे। तो इस गाड़ी का नाम है सिट्रोन A4 करके कुछ तो नाम है इसका। कोई दिक्कत नहीं है भाई, नाम गलत हो जाए कोई बात नहीं है, बस अपनी को तो सेल पे लगानी है। ये तो ये A1 A4 कुछ तो था। यहाँ पे दो है सेम नेम की गाड़ी। ओके गाड़ी का प्राइस बहुत ही कम है इसका। कौन सी है यार, ये वाली है क्या? ये मेरे ख्याल से तो यही होनी चाहिए। मैं इसका 20,000 मांगता हूँ। 5,000 की गाड़ी है, 20,000 में मिल जाता है, ठीक है। ओके दो तीन कस्टमर आ चुके हैं भाई, दो तीन कस्टमर आ चुके हैं। मैंने गाड़ी लगाई है 40,000 में, 22,000 जो ज़्यादा देगा मैं उसको बेच दूंगा भाई, कस्टमर को मैं अपने नाराज नहीं करने वाला। 24,000 जो सबसे ज़्यादा देगा। एक और कस्टमर आ गया, बढ़िया है। 27,000, 27 वाला तो शायद मेरे को 30,000 दे सकता है। 40,000, 24,000, ओके। एक नया कस्टमर आया था ना, हाँ एक लेडी नहीं आई है ये वाली। मैं कह रही नहीं रिपेयर करा के बेचता तो मेरे को ज़्यादा मिल जाते, पर यार देखो सस्ती गाड़ियों को रिपेयर करा के ना कोई फ़ायदा नहीं है, महंगी गाड़ियों को अगर रिपेयर करा के बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अरे यार इसको मेरे को बेचना था भाई, गुस्से में निकल ली वो। ये कितने दे रही है एक बार मेरे को देखने दो। 19,000 भाई, निकल पहले तो इसको निकालो भाई, निकल पहली फुर्सत में। एक गार्ड रखना पड़ेगा निकालने के लिए, निकल तू यहाँ से। ये कितने दे रही है? 24,000। अरे भाई क्या हो गया, ये लोग नाराज होकर जा रहे हैं क्या? 21, मैं से बार्गेनिंग करता हूँ 25,000 की, 25,000 मैं से दे देता हूँ आराम से। बहुत सही, एक और कस्टमर है, इसको भी बेच ही देते हैं, आज के दिन हमारा काफी फायदा हो जाएगा। इसने अगर 20,000 की गाड़ी है, ये कितने दे रहा है? 6,000। 10 दे दे यार, 10 तक तो देना बनता ही है इसका। 5,000 की गाड़ी थी मुझे पता है, नहीं देगा तो निकल भाई, निकल ले पहले फुर्सत में निकल ले। गाइस देखो रात हो रही है, पर एक काम करते हैं इस वाली गाड़ी को भी हम लोग सेल पे लगा देते हैं एंड एक और गाड़ी अपनी रह गई है वो कार मार्केट, वो भी उठा के लानी है। मैं इसका फ़ोटो ले लेता हूँ पहले जाकर, रात में फ़ोटो लेके ना अभी अभी लगा देते हैं, और दो वहाँ खड़ी ना उन्हें भी लगा देते हैं ताकि अगले दिन ना सारी गाड़ियाँ मैं एक साथ सेल कर पाऊँ। बहुत सही, इसका नाम क्या है मेरे को देखने दो भाई, नाम ही नहीं पता चल रहे। गाड़ी दिखने में बढ़िया लग रही है वैसे ये। तो अभी मैंने यार एक लाइन से सारी गाड़ियाँ यहाँ पे सेल में लगा दिया है। जो कार मार्केट में अपनी एक लास्ट कार रह गई थी मैं उसको भी लेकर आ चुका हूँ, तुम लोग यहाँ देख सकते हो। एंड अभी ना अपने पास जगह काफ़ी कम पड़ रही है और इनमें से ना मैंने कोई भी गाड़ी रिपेयर नहीं कराई है। जितनी भी महंगी गाड़ियाँ थी ना, जो 50,000 से ज़्यादा महंगी है उन गाड़ियों को रिपेयर कराना देखो ठीक है, जो सस्ती गाड़ियाँ हैं उन्हें रिपेयर करा के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उनमें पैसा भी देखो ज़्यादा लग जाएगा और कस्टमर उन्हें खरीदते भी नहीं है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे $14,50,000 हो गए और देखते हैं ये कितने की सेल होती है। बाकी अभी बहुत रात हो चुकी है तो एक काम करते हैं फटाफट से अपने घर चलते हैं। तो अभी हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं और अभी चल के पहले आराम करते हैं, गेट खोलो फट से सो जाओ। तो अभी यार सुबह हो चुकी है और आज यहाँ पे कार मार्केट भी ओपन है, पर अभी मैं कोई भी गाड़ी नहीं लेने वाला हूँ, पहले मुझे अपनी सारी कार सेल करनी है। तो बस पकड़ के सीधे चलते हैं ऑफिस में। तो अभी हम लोग यार अपने ऑफिस में आ चुके हैं और गाइज हमारा ऑफिस ओपन ही था तो यहाँ पे शायद कस्टमर भी आ गए होंगे, यार कोई भी नहीं आया यार। तो पहले कूड़ा उड़ा उठा देते हैं, गाड़ियों में सफाई वगैरह कर लेंगे,
गाड़ियां ना थोड़ी गंदी भी हो गई है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि गाड़ियां थोड़ी गंदी लगे। एक सेकंड, ये गाड़ी गंदी है क्या भाई? गाड़ियों में कपड़ा तो मारना ही पड़ेगा, फिर वॉश करने वाला एक बार ओपन हो जाता ना तो बढ़िया रहता। ओके, यहाँ पे कस्टमर भी देखो आ चुके हो, और अभी देख रहे हो यहाँ पे स्किल पॉइंट ओपन हो गया था, तो मैं गाड़ियों को क्लीन भी ज़्यादा जल्दी से कर पा रहा हूँ। देखो पहले क्लीन करने में बड़ा टाइम लग रहा था, एंड अभी काफ़ी तेज़ी से हाथ चल रहा है। एक सेकेंड, ये गंदा है या फिर कलर ही इसका ऐसा है? नहीं भाई गंदा था ये। एक सेकेंड, इसका आगे ये वाला गेट भी गंदा हो रहा है। अबे एकदम चमक गई भाई, इसका बोनट भी गंदा हो रहा है, ये भी गंदा है यार। इतनी ज़्यादा गंदी गाड़ियाँ हो गई। पहले काम करते, इस गाड़ी को थोड़ा क्लीन कर देते हैं, कि देखो कस्टमर्स आ रहे हैं तो उनको गाड़ी चमकती हुई दिखनी चाहिए। इसको अंदर रखो, मैंने गाड़ी का जो भी प्राइस लगाया ना उसे थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। 40,000 मैंने लगाया, 28,000 ये बोल रहा है, तो मैं काम करता हूँ कि इस बार्गेनिंग करके ना 35 इससे मांगता हूँ। वैसे कुछ ज़्यादा ही मांग रहा हूँ, बट ट्राई करते हैं। 28 बोल रहा है, मैं 30 बोलता हूँ, लास्ट 30 बेटा, इससे कम में नहीं हो पाएगी। चलो बिक गई अपनी एक गाड़ी, बिक गई फाइनली। कस्टमर तो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं यार, सफाई करना छोड़ो, पहले गाड़ियाँ बेचने पे ध्यान दो। 20,000 है, मतलब ये गाड़ी काफ़ी सस्ती थी, अब इससे भी कम ना भाई। ये तो निकल भाई, 6,000 रुपये लगा रहा है, हद है भाई। साइकिल लेने आया क्या? 6,000 रुपये भाई, थोड़े तो महंगा, मतलब तू भी 6,000, निकल यहाँ से यार। इस गाड़ी को ना क्लीन करना पड़ेगा भाई, एक एक गाड़ी को कितने लोग घेर रहे हैं यहाँ पे आके। कस्टमर देख रहे हो भाई, संभाल ही नहीं जा रहे गाइस, इतने कस्टमर्स आ रहे हैं। 50,000 मैंने प्राइस यहाँ पे लगाया है, 42 ये दे रहा है, बार्गेनिंग करता है, मैं सिर्फ 48 मांगता हूँ, क्योंकि मुझे पता है गाइस ये गाड़ी 50,000 की तो है भी नहीं, 20-25,000 की गाड़ी थी मेरे ख्याल से ये। बहुत सही भाई, गाड़ियाँ ना रुकनी नहीं चाहिए। और तुम लोग प्राइस देखो भाई, 15 लाख से ऊपर होने वाला है, 10,000 का ऑफर है, मैं से 15,000 मांगता हूँ। 15,000 अगर देती है तो गाड़ी इसकी नहीं भाई, 10,000 में तो मैं नहीं देने वाला, नहीं, बेचनी नहीं है, 10,000 में बेचनी नहीं है। इस गाड़ी के यार काफ़ी कम मिल रहे हैं, गाड़ी ये भी निकालनी पड़ेगी मुझे। 5,000 भाई, 6,000 से लोग 5,000 पे आ गए, ये गाड़ी 20,000 की थी, ये तो डैमेज भी नहीं है यार, इसके तो ठीक मिलने चाहिए। 9,000 मैं इसके मांगता हूँ, 12,000 देखते हैं, अगर 12 मिल जाए तो काफ़ी सही रहेगा भाई। 9,000 नहीं भाई, 9,000 नहीं देने। मैं काम करता हूँ, गाड़ी को थोड़ा साफ करता हूँ, क्योंकि गाड़ी ना थोड़ी सी गंदी लग रही है, इसलिए तो ये लोग कम पैसे नहीं दे रहे। गाड़ी का देख लो गेट वेट काफ़ी गंदा हो गया है, ऊपर से भी थोड़ी गंदी हो रही है, ऊपर से भी थोड़ा साफ कर दो इसको, अब तो चमका दी मैंने भाई। सारी गाड़ियाँ देखो सही बिक गई, इसके दो गाड़ियाँ नहीं बिक रही यार, ये दो गाड़ियाँ भी बिकनी चाहिए। 8,000, चलो ये नहीं यार, मैंने उससे 12 मांगे थे भाई, ये दो गाड़ियाँ थोड़ी ठीक ही बेचूंगा। चलो कस्टमर्स आ रहे हैं अपने पास गाइस, यहाँ पे टोटल 3 गाड़ियाँ बची हैं, मैंने 11 या 12 टोटल कार्स ली थी, एंड मेरे को प्रॉफिट भी सही हो गया है। 25,000 मैं इससे मांग रहा हूँ, बट ये 10,000 दे रही है। मैं काम करता हूँ, मैं इससे लास्ट मांगता हूँ 15, फिर ये 15 दे देती है गाड़ी इसकी। नहीं भाई, बहुत कम दे रहे यार ये लोग, क्या करें गाइस, सेल कर दे क्या कम में? मैं सोच रहा हूँ पुरानी गाड़ियाँ नहीं रखनी चाहिए, चलो सेल करो यार, ले जाओ यार, ले जाओ, खुश रहो भाई, जी लो अपनी ज़िंदगी। ये दो गाड़ियाँ भी निकाल रहा हूँ मैं, ये गाड़ियाँ भी निकाल रहा हूँ, बस कस्टमर आए इनको भी बेचो भाई, क्योंकि अब मेरे को ना सस्ती गाड़ियाँ लेनी ही नहीं है। जब भी हम लोग चैलेंज करेंगे ना तब ऐसी गाड़ियाँ खरीदेंगे, नहीं तो मैं एक से एक महंगी गाड़ियाँ डील करूँगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लंबोर्गिनी, फरारी, पोर्श, या फिर और भी, मेरे को कमेंट करके बताओ कौन कौन सी महंगी गाड़ियाँ है उसमें, तो हम लोग वो गाड़ियाँ ढूंढेंगे, उन्हीं गाड़ियों को खरीदेंगे, उन्हीं में डील करेंगे, तो अपने पास क्या होगा, एक एक डील में अपने को 10-10 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे अभी अपने पास 15 लाख है, और अगर अपने को कोई बढ़िया सी महंगी गाड़ी मिल गई 5 लाख की, तो हम उसे रिपेयर या फिर कलर वगैरह करा के 10 लाख का भी बेच सकते हैं, और वो बिक भी जाएगी हंसते हंसते। यार ये दो गाड़ियाँ कौन लेगा, चलो एक कस्टमर और आया, इसको भी चिपकाते हैं भाई, जो भी गाड़ी लेनी है ले जाओ, चिपकाओ इनको, मैं बेचता हूँ भाई, ये रखनी नहीं है कबाड़े अपने पास, बस बेचता हूँ मैं, काम करता हूँ। ओके, कितने पैसे मिल रहे हैं मेरे को देखना पड़ेगा, जो भी मिल रहे बेच रहा हूँ मैं। 6,000 ठीक है यार, पहले थोड़े ज़्यादा मिल रहे थे, बट ठीक है, बेचो इसको भी। एक और कस्टमर आ गया, इसको भी बेचो भाई, अपने पास अब रखना ही नहीं है कुछ रखना ही नहीं अपने पास, बेचो इसको भी भाई। ओके, कितने दे रहे हैं मैं एक बार देख लेता हूँ।
25,000 मैंने यहाँ पे प्राइस लगाया है और मेरे को मिल रहे हैं 9। बार्गेनिंग करके मेरे को 10 तो आराम से मिल जाएंगे, 11 मांगता हूँ, 11 भी मेरे को मिलने ही चाहिए। बार्गेनिंग करने से गाइस थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। बिक गई अपनी गाड़ी, 15,62,000 हम लोगों ने टोटल यहाँ पे कर लिए हैं। एंड आज का अपना दिन काफ़ी सही निकला भाई, इस गेम के अंदर मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। बाकी मेरे को इसको अपग्रेड करना है, वो अपग्रेड मैं बाद में करूँगा। इससे क्या होगा, ये वाली जगह शायद और ज़्यादा बढ़ जाएगी, टो ट्रक की पार्किंग भी बढ़ जाएगी। बट अभी ना मेरे को थोड़े और पैसे करने हैं, अभी मेरा 15 लाख है, पहले 15 लाख के हम लोग 30 लाख कर ले, उसके बाद हम लोग अपग्रेडिंग पे थोड़ा और खर्चा करेंगे। एंड ना मुझे घर वगैरह भी लेना है, वो अभी मेरे को खरीदना है बाद में, अभी मेरे पास थोड़े कम पैसे हैं। एंड एक सेकेंड, जंक यार्ड में चल के देखे क्या यार, मैं अभी तक ना इस हैमर का यूज़ नहीं कर पाया यार, इसका कैसे यूज़ करें मेरे को समझ में ही नहीं आया, ऐसे ही बताऊँ तो भाई इसका मेरे को यूज़ ही समझ में नहीं आया, हैमर का क्या करना है, यहाँ कोई गाड़ी ही नज़र नहीं आती मुझे, बंदे की मार दूंगा सर पे 2-3 भाई, मुझे समझ में नहीं आया। मेटल ये तो ऐसे ही कलेक्ट हो जा रहा है, ये तो ऐसे ही कलेक्ट हो जा रहा है भाई, मेटल गिनती के 3-4 तो मेटल होते हैं यहाँ यार, ज़्यादा होने चाहिए, देख रहे हो कितने कम मेटल है। चलो हैमर को अंदर रखो, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, इसको बेच देता हूँ मैं भाई, ले खुश रह तू भी। बाकी गाइस आज हम लोगों ने यार अपना ऑफिस बहुत ही बढ़िया तरीके से चलाया भाई, मज़ा आ गया। बाकी यार इस वाले घर को कैसे खरीदे ये मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी हम लोग एक छोटे से कंटेनर में रहते हैं, मैं एक बार अपग्रेड में जाके देखता हूँ हम लोग घर कैसे ले पाएंगे। डेकोरेशन नहीं, अपग्रेड में जाना है ना मुझे तो, हाँ अपग्रेड, ऑफिस अपग्रेड एंड टो ट्रक, ये तो मैं अभी 3 ही कर सकता हूँ। अगर हम लोग डेकोरेशन में जाते हैं तो हम लोग ये वाला घर का कैसे बाय करेंगे गाइस, ये मेरे को बताना आप लोग। ये मैं यहाँ पे वॉल भी चेंज कर सकता हूँ, अच्छा कलर चेंज कर सकते हम लोग वॉल का, क्या बात है यार, ये तो बढ़िया लग रहा है। कैसा लगेगा अगर हम लोग ये करें तो, ठीक है बाहर से एक बार फैंस देखने दो, ये और ज़्यादा बढ़िया यार, मैं ये करने वाला हूँ। बाहर का फ्लोर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये ज़्यादा सही है यार, सही कर दिया यार, धीरे धीरे अपग्रेड करते जा रहे हैं हम लोग, बढ़िया लग रहा है भाई। देख रहे हो जो अपना ऑफिस है उसका भी मैंने कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे देख रहे हो फेंसेस भी मैंने अपग्रेड कर दी, फ्लोर भी मैंने अपग्रेड कर दिया है, बढ़िया लग रहा है। इसको क्लोज करते हैं एंड इस वाले वीडियो को यार यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आया, अगर मज़ा आए तो लाइक ज़रूर कर देना एंड हाँ मुझे कॉमेंट करके भी बताते रहना कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए इस गेम में पैसे कमाने के लिए, कौन कौन सी गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए एंड आप लोग को ये एपिसोड कैसे लग रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।